हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गोविंद है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टेनिस की बॉल से ऑफ स्पिन करा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी ऑफ स्पिन बॉल कैसे मूव करती है। तो फ्रेंड्स, जो आपकी ऑफ स्पिन बॉल है वो राइट हैंडर बैट्समैन के ऑफ स्टंप पे पड़कर मिडल या लेग स्टंप पे फिनिश होती है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लेग स्टंप पे पड़कर मिडल या ऑफ स्टंप पे फिनिश होती है, तो इसे हम ऑफ स्पिन कहते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी ऑफ स्पिन में ग्रिप पोजीशन कैसी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने दो फिंगरों को ऐसे बैंड करना है, फिर आपको बॉल को अपने दो फिंगरों के बीच में ऐसे लॉक करना है। आपका अंगूठा ऐसे रहेगा, फिर आपको अपने फिंगरों की हेल्प से बॉल में एक रोटेशन क्रिएट करना है ऐसे, जिससे आपकी बॉल ऑफ स्पिन होगी। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको बॉल को हमेशा एकदम नॉर्मल ग्रिप करना है, ना तो आपको बॉल को ज़्यादा हार्ड ग्रिप करना है और ना ही ज़्यादा लूज़। आपकी जो ग्रिप पोजीशन होनी चाहिए वो एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी बॉल को ज़्यादा स्पिन कराना है तो आपको क्या करना है कि आपको अपने फिंगरों की हेल्प से बॉल में ज़्यादा रोटेशन क्रिएट करना है। तो जितना आप रोटेशन क्रिएट करेंगे उतनी आपकी बॉल स्पिन होगी। फ्रेंड्स, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा एकदम सिंपल एक्शन का यूज़ करना है और प्लीज़ कभी भी आप ऑकवर्ड एक्शन का यूज़ मत करना। ऑकवर्ड एक्शन से आप ऑफ स्पिन बॉल को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाओगे और ना ही आप बॉल पर अच्छे से कंट्रोल रख पाओगे और ना ही आप बॉल को ज़्यादा स्पिन करा पाओगे। तो आपको मेरी यही एडवाइस है कि आपको हमेशा एकदम सिंपल एक्शन का यूज़ करना है जिसमें आपका बॉलिंग हैंड एकदम स्ट्रेट आता हो। आई होप आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।